क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये सभी आपके कार्बोकेटाइन हैं, बट हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा एलाइलिक कार्बोकेटाइन। अच्छा, विनाइलिक एजुलेज एलाइलिक के बारे में आप लोगों ने सीखा होगा, एलाइलिक विनाइलिक बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में क्या होता है भाई, बेंजीन रिंग होता है, और बेंजीन रिंग में लगा हुआ जो एक आपका CH2 होता है, इसके पास में पाज2, तो इसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, अगर मेरे पास में विनाइलिक है, विनाइलिक CH2 डबल बॉन्ड, ये CH हो गया डबल बॉन्डेड सिस्टम में, या डबल बॉन्डेड कार्बन में ही अगर पाज2 चार्ज आ गया तो इसे बोला जाएगा विनाइलिक कार्बोकेटाइन, ये आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन हो गया। एलाइलिक में कुछ ऐसा रहता है कि जैसे आपका ये CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर इसके बाद में सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH2 है, यहाँ पे आ गया पाज2 चार्ज, तो इसमें कॉन्जुगेशन रहता है डबल सिंगल पाज2 चार्ज, तो इस पोर्शन को इसे आप बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई, एलाइलिक एलाइलिक कार्बोकेटाइन बोला जाएगा, कार्बोकेटाइन बोला जाएगा, ये हो गया आपका एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो इस तरह का अगर कहीं सिचुएशन दिखे तो आप बोल सकते हैं कि सर ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो नेक्स्ट कार्बन है, जो आपका sp2 हाइब्रिड है, ये क्या हो गया, क्योंकि इसके पास में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो ये आपका एलाइलिक कार्बोकेटाइन होता है। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन में जो कार्बन यहाँ आपका जो आपका sp हाइब्रिड है, क्योंकि इसके कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो वो आपका हो जाएगा विनाइलिक हो जाएगा। इसमें बेंजाइलिक सिस्टम में भी अगर आप देखें, ये आपका sp है, क्योंकि इसने 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड थोड़ी या अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो ये आपका sp2 हाइब्रिड हो जाता है। ठीक है, हमें फोकस करना है किस में, एलाइलिक में, यही आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन में अगर आप देखें तो आप देखिए, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन में अगर पाज2 चार्ज आ जाए, डबल बॉन्डेड कार्बन में अगर पाज2 चार्ज आएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन में पाज2 चार्ज आएगा तो इसे आप विनाइलिक बोलेंगे, विनाइलिक बोलेंगे, ये विनाइलिक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में डबल सिंगल पा रहे, ये डला हुआ है डबल सिंगल फिर पाज2 चार्ज, डबल सिंगल पाज2 चार्ज, डबल सिंगल पाज2 चार्ज, अब ये इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना है, तो बोलिए sp2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होगा तो इसे आप बोल सकते हैं विनाइल एलाइलिक। अरे विनाइलिक ये हो गया भाई, ये आपका एलाइलिक हो गया, एलाइलिक कार्बोकेटाइन हो गया। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये सेकेंड डिग्री का कार्बोकेटाइन डला हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो ये आपका डबल सिंगल देन सिंगल। ठीक है, आपका ये सेकेंड डिग्री का कार्बोकेटाइन डला है, ना तो ये आपका एलाइलिक है, ना विनाइलिक है, ना तो बेंजाइलिक। इसमें अगर आप देखें डबल सिंगल देन सिंगल, तो यहाँ पे आपका सेकेंड डिग्री का कार्बोकेटाइन डला है। ठीक है, तो ये बेंजाइलिक है, विनाइलिक है, ये आपका एलाइलिक है। एलाइलिक में कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।